17 साल बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची है और दोनों ही टीमों के बीच टेस्ट सीरीज के पहले मैच में एक दिन का खेल भी खत्म हो चुका है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम के बीच पहले टेस्ट का मुकाबला रावलपिंडी में खेला जा रहा है। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। बल्लेबाजी ऐसे कर रहे थे जैसे इंग्लिश टीम मानो टेस्ट नहीं बल्कि T20 खेल रही हो। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉले और बे डकैट ने तूफानी शुरुआत करते हुए दोनों ने ही शतक ठोक डाले। क्रॉले ने 111 गेंदों में 21 चौकों के साथ 122 रन बनाए। वहीं बेन डकैट ने 110 गेंदों में 15 चौकों के साथ 107 रन ठोक डाले। वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विकेटकीपर ओली पोप ने भी सैकड़ा लगाया। पोप ने 104 गेंदों में 108 रनों का स्कोर बनाया। उसके बाद पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैरी ब्रूक ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी लगा दी। इस तरह से इंग्लैंड ने 75 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 506 रन ठोक कर एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला। आपको बता दें कि इंग्लैंड के ओपनिंग डे पर 506 रन अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड ने अपना ही 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर ये नया रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच सिडनी में 9 दिसंबर 1910 को खेले गए टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 494 रन ठोके थे। वहीं अब इंग्लैंड ने 1 दिसंबर 2022 को इतिहास के पन्नों में एक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। इसके अलावा इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने ओपनिंग डे पर सेंचुरी जमाकर टेस्ट क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। अब तक ओपनिंग डे में यह कारनामा किसी भी टीम के बल्लेबाजों ने नहीं किया है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट करने में पाकिस्तान के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। वहीं पहले दिन का खेल खराब रोशनी के चलते 75 ओवर में ही खत्म कर दिया गया। इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने पर 4 विकेट के नुकसान पर 506 रन बना लिए हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले दिन बनाए गए सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड है। वहीं हैरी ब्रूक 101 रन और बेन स्टोक्स 34 रन बनाकर नाबाद है। वहीं अगर पहले दिन के खेल में पाकिस्तानी गेंदबाजों की बात की जाए तो उनकी जमकर कुटाई हुई है। हरीश रऊफ ने 13 ओवर में 78 रन देकर एक विकेट चटकाया तो वहीं नसीम शाह ने बिना विकेट लिए 96 रन लुटाए। नए गेंदबाज जाहिद महमूद 23 ओवर में 160 रन लुटाए, हालांकि उन्हें 2 विकेट चटकाने में सफलता मिली। मोहम्मद अली ने 17 ओवर में 96 रन देकर एक विकेट निकाला। आगा सलमान ने 5 ओवर में 38 रन लुटाए। सौद शकील ने 2 ओवर में 30 रन दिए। पाकिस्तान ने इस मैच में 4 खिलाड़ियों का डेब्यू कराया, लेकिन वे अभी तक प्रभाव छोड़ने में नाकाम ही रहे हैं।